Hello, Assalamu alaikum. My name is Raja Hassan. I am graduated from National College of Arts. I am a visual artist and I am also professionally doing my job in architecture. My main point is to tell you about how you can improve your art skill. तो पहले हम कोशिश ये करेंगे कि हम बेसिक जो हमारी क्लास है, फर्स्ट लेसन जो है हमारा, कि हम ड्राइंग में पहले क्या चीज़ को हमें बेहतर करना चाहिए. तीन चार पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा. सबसे पहले आपका ये है कि आपने बेसिक जो टूल्स हैं ड्राइंग के, स्टार्टिंग टूल्स हैं, उनको आपने देख लेना है. ये हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे पास इरेज़र आएगा, उसके बाद हमारे पास शार्पनर हो और एक पेंसिल. तो ये तीन चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. तो ये मैं बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपके पास पेंसिल्स जो हैं उनकी टोन्स, शेडिंग टोन्स जो हैं, वेरिएशंस, लाइटर डार्कर टोन्स हैं, लाइटर टोन्स हैं, वो किस तरह आप देख सकते हैं. और उसमें भी टाइप्स होती हैं, पेंसिल्स की टाइप होती हैं. तो और हाथ के आपका हाथ का एक प्रेशर भी काउंट कर रहा होता है किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए. तो सबसे पहले जो मेन चीज़ करने वाली वो ये है कि आपके पास एक बोर्ड होना चाहिए. बोर्ड तकरीबन हमारे पास होता है 15x20 inches का एक बोर्ड मिलता है, जो कि ड्राइंग बोर्ड जिसे कहते हैं. और उसके बाद आपको भी एक पेपर शीट लेनी है, जो कि बिल्कुल ही ये A4 साइज़ की पेपर शीट है, बिल्कुल प्लेन है. स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. उस बाद आपको थम टैग्स चाहिए. और उसके अलावा मैं बेसिकली आपको एक प्रॉपर एक स्पेस चाहिए जहाँ पे आप इजीली सुकून से बैठ के काम कर सकें. तो पहला जो लेसन है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं. तो जिसके हवाले से मैंने कुछ अपने नोट्स भी बनाए हैं. ये मेरे नोट्स का जो है बेसिक फ्रंट पेज है, जिसमें मैंने बताया कि ड्राइंग नोट्स आप हैं ये प्रॉपर ये ड्राइंग के लिए. उसके अलावा आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने के लिए या उसकी तैयारी के लिए आप ये नोट्स को यूज़ कर सकते हैं. ये एंट्री टेस्ट की तैयारी भी हो सकती है, जिस तरह हमारी सिटी में लाहौर में काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं. BNU है, NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप आर्ट में एडमिशन के लिए ये मेरे नोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझसे रब्ता करें, नहीं तो मैं इस पर अपने यूट्यूब चैनल पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा. साथ हम इस जो ड्राइंग की क्लास है इसको जारी रखेंगे. तो जो पहला लेसन है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि हम पहली चीज़ क्या करनी है आपने. ये हमारे पास है एक फर्स्ट पेज, जिसमें मैंने आपको ये गाइड किया कि आप लाइन क्वालिटी ये देखें, जिस तरह लाइन की प्रैक्टिस है. बेसिकली आपने जितना ज़्यादा लाइन प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आप फ़ायदे में रहेंगे. आपने फ़िलहाल A4 साइज़ से शुरू करना है. आपने लाइन क्वालिटी, जिस तरह मैं इस पेज पे आपको बताऊंगा कि आपने अपने बोर्ड को नहीं हिलाना, आपने जो आपके पास स्पेस है आपने उसी में ही हाथ की मूवमेंट को देखना है. आपने कोशिश करना है कि आपका हाथ मूव करे, ना कि आपका बोर्ड और आपका पेज मूव करे. तो पहले तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपने लाइन को कोशिश करना स्ट्रेट लगे, स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करनी है आपने. मैक्सिमम कम से कम 50 से 100 तक आपने एक पेज पे लाइंस लगाते जाना है, एक डायरेक्शन पे. ये प्रैक्टिस है आपकी. जितनी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, जितना आप इस पे कंट्रोल अपने करेंगे, उतनी जल्दी आप सीखेंगे, उतनी जल्दी आप आगे ड्राइंग कर सकेंगे. तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल से आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ये देख रहे होंगे आप. फिर दूसरे एंगल पे पेज आपने मूव नहीं करना, आपने उसी डायरेक्शन पे लाइंस को लगाना शुरू करना है. स्ट्रेट लाइंस, फिर स्ट्रेट लाइंस पे आपने आ जाना है. बिल्कुल आपने ये लाइंस की प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस आपने करनी है लाइन की. हर डायरेक्शन पे आपने लेके आना है, हर डायरेक्शन से आपने लाइंस को लेके आना है. ये आपने प्रैक्टिस जैसा इस पेज पे मैंने बताया हुआ है, आपने सेम इस तरह ही प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है. तो इसके बाद आपकी ड्राइंग जो है दिन ब दिन इम्प्रूव होती जाएगी. पहले आपने इस चीज़ को कम से कम 2 हफ्ते आपने लाइंस करनी है, लेकिन ये चीज़ छोड़नी नहीं है. आपने डेली रूटीन पे बाकी ड्राइंग्स के साथ इसे भी कंटिन्यू करना. अच्छा, जो सेकेंड चीज़ है बताने वाली वो ये है कि इसमें टाइप आ जाती है आपके पेंसिल्स की भी, क्योंकि हम मोस्टली जो डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास होती है HP सीरीज़. आपने देखा होगा इस पेंसिल के साइड पे आपका लिखा होता है, सीरीज़ होती हैं इसमें, टोन्स होती हैं. तो हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं HP डेली रूटीन में.
लेकिन जब आप प्रोफेशनली आगे ड्रॉ करते हैं या शेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक ख़ास तरह की पेंसिल रिक्वायर्ड होती है, लाइटर टोन्स में भी चाहिए और डार्कर में भी। तो ये मेरे पास जो है इसकी डिटेल पेज है जिसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप ये हमारे पास HB और HB के बाद जितनी भी सीरीज़ हमारे पास अगर देखें यहाँ पे तो 9 तक जा रही है, 9H तक। तो ये हार्डेस्ट मतलब कि हार्ड पेंसिल, इसका जो लेड होता है वो हार्ड से हार्ड होता जाता है। जितना आप लाइटर टोन की तरफ जाएंगे वो उतना ही आपका जो लेड है वो हार्ड होगा, और जितना आप डार्क टोन की तरफ जाएंगे मतलब कि HP के बाद हमारी बी सीरीज़ हैं और इधर से हमारी H सीरीज़ हैं। बी सीरीज़ डार्कर टोन है और H सीरीज़ जो है लाइटर है। तो बी में आप 3B 4B 6B मतलब जो आगे आप जाएंगे उतना ही उसका लेड जो है सॉफ्ट होता जाएगा, जैसा यहाँ पे मेंशन है कि सॉफ्टेस्ट। तो ये बेसिक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। इस टाइम पे मेरे पास जो पेंसिल है वो आप शायद आपको यहाँ पे नज़र आए, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये 3B लिखा हुआ है, ये 3B की पेंसिल मेरे पास है, अगर 3B मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक मेरे पास HP की है और एक 3B की पेंसिल है। तो आपने इन चीज़ों को देखते हैं, आप इसमें से कोशिश ये भी कर सकते हैं, आप मतलब HP की एक पेंसिल लाजमी रखें अपने पास, 2B रखें, 4B 6B 8B और 9B, ये पेंसिल आपके पास होना ज़रूरी है। 8 या 9 में से कोई ये कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ HB में, HB के बाद आप आगे H सीरीज़ में आप 2H रखें, 4H 6 8 और 9, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन पेंसिल्स के थ्रू आप बेसिक ड्राइंग सीखेंगे। बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इन ड्राइंग इन पेंसिल्स के अलावा आप कोई 3-4 पेंसिल्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की भी आ गई।